नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये संध्या फूल को शेयर करते हुए मैं जो आज वीडियो आपसे देने वाली हूँ, उसमें आपके डिमांड पर ही आया है कि बालसम को कैसे लगाते हैं या बालसम की केयर कैसे करते हैं, इस तरह की कुछ बातें पूछी गई थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो चलिए बालसम को देखते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा बालसम का फ्लावरिंग प्लांट। देखो किस तरह से खूबसूरत सा इसमें फ्लावर आ रहे हैं और साथ में ये फ्लावर भी देते रहता है और इसमें सीड भी बनते रहते हैं। मैं एक थोड़ा सा छोटा सा तोड़ के आपको इसको दिखला दे रही हूँ। ये बचपन में हम लोग बहुत खेला करते थे। इसके सीड जब बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, इसको हल्का सा छूओगे तो सारे सीड बाहर आ जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये सेल्फ खुद ब खुद ये प्लांट आपके बगीचे में एक बार लगा लोगे तो खुद ब खुद ये हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, वाइट होते हैं, पिंक तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे पर्पल है, इस तरह के। और यहाँ आप सेल्फ जो ये इसके सीड गिर करके जो गिरे हैं और उससे नन्हे नन्हे पौधे निकले हैं, वो पौधे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें एक चीज़ मुझे आपको शेयर करनी थी कि आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़े से पत्ते मुड़े हुए हैं। तो अभी बरसात के दिन में इसमें काफ़ी बारिश हो रही है, ये बाहर में है तो इसलिए इस तरह से इसमें काफ़ी पानी जमा होने से ये इसकी ये पत्ते मुड़ने की हो गई है। साथ ही आप तो आपने अगर गमले में इसको लगा कर रखे हुए हैं तो आप गमले में क्या करें कि पानी कम डालें, कम मतलब इतना कम नहीं देना है कि ये पौधा में दिक्कत हो, क्योंकि इसको थोड़ी सी नम मिट्टी ये सॉइल चाहिए, सूखा एकदम ड्राई नहीं होना है। ड्राई होगा तो भी इसको परेशानी हो जाएगी, ड्राई इसको नहीं होने देना है, नमी बरकरार रखें। और इस तरह से आप इसकी हल्की फुल्की गुराई करें, ज़्यादा गुराई इसके लिए खतरनाक हो सकती है। आप इसके रूट पर ध्यान दोगे तो इसके रूट क्या होते हैं कि निकलते हैं सॉइल से ऊपर, इसके रूट आ जाते हैं और ये सॉफ्ट स्टेम वाला पौधा है, तो इसलिए इसकी गुराई करने में आपको इसकी ध्यान रखनी होगी। बहुत ज़्यादा गुराई आपको इसकी नहीं करनी है, हल्की फुल्की करनी है। और इसके बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हो। फर्टिलाइज़र में आप इसमें गोबर की खाद या फिर पत्ते की खाद या आप बर्मी भी इसमें दे सकते हो, वो इसके लिए अच्छा रहता है। और इसके साथ ही आप इसमें अगर आपके पौधे नन्हे हैं तो उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, लेकिन बहुत बड़े पौधे हो जाने के बाद उसको ट्रांसफ़र इसको नहीं करो, क्योंकि इसके स्टेम बहुत पतले पतले होते हैं, ये ख़राब हो सकते हैं। और जब इसके सीड हो जाएं तो आप उसको कलेक्ट करके भी रख सकते हो। पानी देनी है, सॉइल में नमी रखनी है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। और यही केयर रखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, ये आपको इतना फ्लावर देता है कि इसको आप देख रहे हो। मैं बार बार बहुत सारे पौधे हो जाते हैं खुद ब खुद, उनको मैं हटा दिया करती हूँ। तो मैं इसी के साथ आज चलूँगी, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।